यहाँ पे एक सिस्टम लगाया गया है जिसको सेल्फ सर्विस मशीन कहती है। सेल्फ सर्विस मशीन का फायदा ये है कि स्टूडेंट जो है वो चंद ही मिनट्स में अपनी डिग्री अटेस्टेशन, कोई रोल नंबर स्लिप, डिग्री लेनी हो, अपनी जो है डीएमसी चाहिए, कुछ ही मिनट्स में मिल सकते हैं। ये मशीन जो है इनको डिजाइन किया गया है एटीएम की शक्ल में, और इस एटीएम में आपने सिर्फ अपना चालान नंबर है या अपना रोल नंबर है, रोल नंबर दे के आपने उसका चालान निकालना है, उस पर आपने फीस जमा करनी है। फीस जब आपने जमा करनी है तो आपने या अपने इजी पैसा या जेस कैश उस अकाउंट से, उसके बाद आप चालान नंबर जो है दोबारा मशीन में एंटर करेंगी और कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आपकी डीएमसी की वेरिफिकेशन हो, डीएमसी हो, सर्टिफिकेट हो, सब आपको मिनटों में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बासखान। नाजरीन, आज हम मौजूद है फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में। नाजरीन, यहां पे एक सिस्टम लगाया गया है जिसको सेल्फ सर्विस मशीन कहते हैं, और इस सेल्फ सर्विस मशीन का फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट जो है वो चंद ही मिनट्स में अपनी जो डिग्री अटेस्टेशन हो या उसके अलावा कोई रोल नंबर स्लिप हो या उसके अलावा डिग्री लेनी हो या उनको अपनी जो है डीएमसी चाहिए तो वो उनको कुछ ही मिनट्स में मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियोस में भी कि मुख्तलिफ लोग जो है इन मशीनों के सामने खड़े हैं। ये मशीन जो है इनको डिज़ाइन किया गया है एटीएम की शक्ल में, और इस एटीएम में आपने सिर्फ अपना क्या करना है, अपना चालान जो नंबर है या अपना रोल नंबर है, रोल नंबर दे के आपने उसका चालान निकालना है, उस पर आपने फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस जब आपने जमा करनी है तो आपने या अपने इजी पैसा या जेस कैश उस अकाउंट से, या आप करीबी जो यहाँ पे इनका बैंक ब्रांच है वहाँ पे जमा करेंगी, उसके बाद आप चालान नंबर जो है दोबारा मशीन में एंटर करेंगी और कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आपकी डीएमसी की वेरिफिकेशन हो, डीएमसी हो, सर्टिफिकेट हो, सब आपको मिनटों में मिल जाएगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताया कि जब भी हम इस तरह के बोर्ड्स में जाते हैं तो वहाँ पे लंबी लंबी कतारी जो है वहाँ पे हमें रुकना होता है और हमें बहुत मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन ये फेडरल बोर्ड जो इस्लामाबाद का बोर्ड है उन्होंने ऐसी एटीएम मशीनें मुतारिफ करवाई है जितने आप पैसे निकालने में टाइम लेते हैं, इसी तरह ये मशीन जो है उसी चंद ही सेकेंड्स में ये काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो आए हैं और इस मशीन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बता दीजिए, सेल्फ सर्विस मशीन है, अमूमन हमने देखा है कि हम लाइनों कतारों में, अब ये मशीन आ गया, फ़ायदा क्या है? बहुत फ़ायदा है इससे, इससे ये फ़ायदा है कि आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का दौर भी मशीन वाला है। आप आके अपना कुछ भी, आपकी वेरिफिकेशन करवानी, आपने कुछ भी करवाना हो तो आप इजीली यहाँ से चलान फॉर्म निकालें और जमा करवाएं और दोबारा यहीं से आके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेरीफाइड हो गई है या नहीं। लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, ना कोई काउंटर वगैरह है, ये मशीनें लगाई हुई हैं, इसीलिए लगाई है कि आप खुद कर सके। अच्छा, ये बताए आपका कितना टाइम लगा यहाँ पे? मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक तो 20-25 मिनट लगे। अच्छा, उस टाइम का हो गया मेरा तकरीबन सब कुछ हो गया, अब सिर्फ मैंने रसीद निकालनी है, वेरीफाइड हो गया या नहीं हुआ है, वो अभी हो रहा है। अच्छा, आए कहाँ से आप? मैं चट्टा बख्तावर से आया। अच्छा, चट्टा बख्तावर से ये चालान निकाला? हाँ, ये चालान निकाला। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आपने स्टूडेंट की बात सुनी कि काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रही है इस ऑनलाइन सिस्टम से। ये लाइनों से और मशीनों में कितना फ़र्क है? टाइम कंज्यूम, टाइम बच जाता है? काफ़ी 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 कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, तो किस इस एग्जाम को किस नज़र से देखें? ठीक है, होना चाहिए, इस तरह की इकदाम लोगों के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम आपको ये वीलॉग बता रहे थे। यहाँ पे हमारे साथ जो इनके जो मीडिया के पर्सन हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताए पहले ज़माने में लोग कतारों में, उनको कतारों से गुजरना पड़ता, अभी आपने ये ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया है, इसके पीछे मकसद क्या था, ख्याल कैसे आया कि स्टूडेंट को ये फैसिलिटी दी जाए? मकसद तो हमारा यही है कि हर बच्चे को सहूलियत दी जाए, और जितनी हमारे इख्तियार में है हम बच्चों को सहूलियत देते हैं, फराहम करते हैं, और बच्चों का टाइम जो इतना वेस्ट होता था उस पर हमने, हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ी तगड़ो के साथ बड़ी मेहनत की और कोशिश के साथ जो है ना कि वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम जो है वो आपके सामने है और ये कामयाबी के साथ रमा दमा है। अच्छा, ये बताइए तकरीबन कितनी मशीनें लगी है और ये कितने मिनटों में या सेकेंडों में काम करता? ये तो आपने खुद भी अपने ये कैंडिडेट से रिव्यू लिए हैं तो हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा जो एक बच्चा कंप्यूटर जानता है या एटीएम मशीन जैसे यूज़ करना जानता है तो हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉक्यूमेंट्स पे 5 मिनट लगते हैं। अच्छा, ये भी बता दें कि ज़्यादातर लोग, हमने यहाँ भी देखे कि उनको मशीन इस्तेमाल करने का पता ही नहीं,
क्योंकि ज़्यादातर मुअम्मर अफराद जो है वो आते हैं अपने बच्चों के लिए, एजुकेटेड होते हैं लेकिन कंप्यूटर वहाँ उस टाइम आप फिर क्या करते हैं, कोई फैसिलिटेटर है? यहाँ पे हमारा हर टाइम फैसिलिटेटर जो है ना कि वो हर टाइम यहाँ पे घूमते रहते हैं, बाज़ुकात हमारी विंडो भी लगी हुई है, वहाँ पे भी हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, अगर किसी को फौरी ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे खड़े होके उनसे पूछ लेते हैं और वहीं पे उनका मसला हल हो जाता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आपने इनके तर्जुमान की भी बात सुनी कि फैसिलिटेटर भी मौजूद होती है, मशीन भी मौजूद होती है, अब आपका टाइम इतना नहीं लगेगा और कुछ ही मिनटों में आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की व्लॉग। मज़ीद व्लॉग्स और अपडेट्स के लिए मोहम्मद बास खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।